हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.62 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है, तो आज हम इसके फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से एक बार सुने, क्या है प्रॉब्लम। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ चार्ज क्यू। द रिंग इज ओरिएंटेड पैरेलल टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन एंड इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल फ्रॉम इट। द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ द प्लेन सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द रिंग इज। यानी क्या है प्रॉब्लम, एक बार देखें बोर्ड पे। ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, आप मान लें, और ये एक रिंग है जिसका रेडियस आर है। इस रिंग को इस कंडक्टिंग प्लेन के पैरेलल प्लेस किया गया है और इसकी डिस्टेंस, द रिंग इज ओरिएंटेड पैरेलल टू दैट एंड इट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल फ्रॉम इट। इस डिस्टेंस को एल मेंटेन किया गया है। रिंग पर टोटल चार्ज क्यू बताया गया है और आपको इस रिंग से सिमेट्रिक इस प्लेन के किसी पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो क्लियरली वो पॉइंट ओ ही होना चाहिए, यानी हमें ओ पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी इस रीजन पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, नियर बाय ओ के आसपास रीजन पर। सो हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है क्योंकि इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन पर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। सो इमेज मेथड, जिससे कई क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, एक बार और इस्तेमाल करेंगे। इस रिंग के सिमिलर एक दूसरी रिंग मैं इस प्लेन के दूसरी ओर एल डिस्टेंस पे बना रहा हूं और हम जानते हैं कि इमेज मेथड के लिए हमें इस रिंग के चार्ज को माइनस क्यू कंसिडर करना होगा। इस रिंग का रेडियस भी कैपिटल आर ही कंसिडर किया जाएगा और अब इस पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले हमें इन दोनों रिंग्स के कारण इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, जैसा कि इस मेथड में बेसिकली होता है। एक बात आप ध्यान दें कि आप इन दोनों रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और आप जानते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यह इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन और यह रिंग मिलकर इस पॉइंट पर डेवलप करेंगे। सो इमेज मेथड में हम किसी इनफाइनाइट प्लेन से कैलकुलेशंस डिफिकल्टीज से बचने के लिए उसे एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें हम कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सके। सो अब मुझे इस ओ पॉइंट पर इन दोनों रिंग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बात यहां पर और याद दिला दूं, हालांकि पहले भी कई बार मैं बता चुका हूं कि ये सभी कैलकुलेशंस केवल उस रीजन में वैलिड है जिस रीजन में वो रिंग रखी हुई है जो इंडक्शन डेवलप कर रही है, यानी लेफ्ट रीजन में इस प्लेन के ये सभी कैलकुलेशंस वैलिड हैं, लेकिन इन कैलकुलेशंस को राइट पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्लेन के राइट साइड बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर इस रिंग के रखने के बाद वेरी कर जाएगा, जबकि ये लेफ्ट में वेरी नहीं करेगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं। सो अब मैं ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं इन दोनों रिंग के कारण। आप ध्यान से देखें, यहां पर हम रिंग के स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है का इस्तेमाल करेंगे और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता है। अब ध्यान से देखें, वो वैल्यू होती है E इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। So, कुछ इस तरह से एक रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया जाता है एक्सियल पॉइंट पर और इस केस में हम देख पा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन आई वेक्टर होना चाहिए। यहां पर आई वेक्टर और जे वेक्टर कुछ इस कन्वेंशन में माने जा रहे हैं। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रिंग डेवलप करेगी ओ पॉइंट पर। यह फॉर्मूला जो हमने यहां यूज किया है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते समय हम डेराइव कर चुके हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लिप्स में इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो आप वहां से इसे समझ सकते हैं। सिमिलर फॉर्मूला अगर मैं दूसरी रिंग पर अप्लाई करूं ओ पॉइंट के लिए, तो सिमेट्रिक होने के कारण मैं सिमिलर रिजल्ट एक बार फिर लिख रहा हूं। आप ध्यान से देखें, यह रिजल्ट होना चाहिए के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, बिल्कुल इसके जैसा। लेकिन चूंकि ये रिंग नेगेटिव है तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स रिंग होगा। सो पॉजिटिव रिंग जहां एक ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द रिंग डेवलप करती है, वहीं दूसरी ओर नेगेटिव रिंग
टुवर्ड्स रिंग डेवलप करती है, और इस केस में ये दोनों ही डायरेक्शन आई कैप को प्रेजेंट कर रही है। सो दोनों को ऐड करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें ओ पॉइंट पर मिलेगा वो होगा 2/4πε0, के का वैल्यू लगा दिया गया है, इंटू QL/R²+L²^3/2। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई वेक्टर होना चाहिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं कंपेयर करूं उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एक कंडक्टिंग प्लेन डेवलप करता है अपने सरफेस के नियर बाय पॉइंट पर, यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ते हैं, हम ये सीखते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के किसी रीजन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से दी जाए तो उस रीजन के नियर बाय पॉइंट्स पर आउटर साइड इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो डेवलप होती है नियर बाय उसे ई वेक्टर इक्वल टू σ/ε0 मैग्नीट्यूड से दिया जाता है। और चूंकि इस सिग्मा का साइन अभी हमें नहीं मालूम है, यह हमारे लिए एक अननोन है, तो मैं इस इनफाइनाइट प्लेन के लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डायरेक्शन जो एक प्रकार से बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है आउटवर्ड उसे कंसिडर करना चाहूंगा। यहां पर आप ध्यान दें कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, हम ये जानते हैं कि इस सरफेस पे जो चार्ज डेवलप होगा वो निगेटिव डेंसिटी का होगा, बट चूंकि हम सिग्मा को एक अननोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि हमें इसका साइन नहीं मालूम है। इसका साइन हमारे मन में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है अभी, और चूंकि ये पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट है तो इसका डायरेक्शन भी मैंने आउटवर्ड कंसिडर किया है। ये मैथ्स से मैं पूछना चाहूंगा कि मैथ्स मुझे बताए कि इसका साइन क्या है। So, जब आप मैथमेटिक्स से किसी अननोन का साइन पूछना चाहते हैं तो आप उसमें अपना दिमाग बीच में ना लगाएं कि ये नेगेटिव है तो मैं पहले ही ऐसा बना लूं। अगर आप पहले ही इसकी डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में शो कर देंगे इसका मतलब आप पहले से ही जानते हैं कि ये एक नेगेटिव वैल्यू थी, तो आपने ऐसे में अगर सिग्मा लिखा और इसे प्लस आई वेक्टर लिख दिया इसका मतलब आप सिग्मा के रूप में केवल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। तरीका वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे में कई बार सिग्मा का आउटकम पॉजिटिव आने के बाद स्टूडेंट पॉजिटिव ऑप्शन पे ही टिक कर देता है, और ऑप्शन में अगर निगेटिव भी अवेलेबल हो तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कई बार यह देखा गया है कि लास्ट लाइन में आने वाला आंसर ही फाइनल आंसर समझ के स्टूडेंट काम करता है और उस समय वो भूल जाता है कि सिग्मा को उसने केवल एक न्यूमेरिकल नंबर के रूप में इस्तेमाल किया था, उसका साइन अभी इसमें जोड़ना बाकी है। यही वजह है कि हम अननोन को अननोन की तरह यूज करने की बात बताते हैं कि आप सिग्मा को अननोन माने और अननोन बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें सॉल्व करके देगी उसका साइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बेस पे लिखी गई है और ये वैल्यू इमेज मेथड से किए गए कैलकुलेशन से लिखी गई है। हम जानते हैं कि ये सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों ही एक्सप्रेशन 1 और 2 में आई के कोफिशियंट कंपेयर करने पर मुझे मिलेगा -σ/ε0 इक्वल टू 1/2πε0, ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया है 4 से, इंटू QL/R²+L²^3/2। और ε0 को कैंसिल करके माइनस को राइट साइड शिफ्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर मुझे सिग्मा के लिए मिला है वो है -QL/2πR²+L²^3/2। सो कुछ इस तरह से सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है इस केस में किसी रिंग को एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के पैरेलल रखने पर। एक बात यहां पर और ध्यान दें, इस केस में सिग्मा को सिमेट्रिक पॉइंट पे ही पूछा जा रहा है क्योंकि किसी अनसिमेट्रिकल पॉइंट पर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो इस तरह के केस जब सॉल्व करवाए जाते हैं तो ये देख के प्रॉब्लम पुटअप किया जाता है कि किस पॉइंट पर यह कैलकुलेट किया जा पाएगा और किस पॉइंट पर इसे केवल क्वालिटेटिवली बताया जा पाएगा। थैंक यू।